भाजपा की सत्ता में भाजपा को दिलो जान से चाहने वाले ही जी रहे हैं लावारिसों की तरह। बताते चलें कि मुरादाबाद की विधानसभा कार्ड 25 के क्षेत्र में ग्राम चक फेरी के लोगों का कहना है कि हमारा पूरा गांव भाजपा को चाहने वाला है, भाजपा की सत्ता है, हमारे मुरादाबाद में भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के ही विधायक हैं। चुनाव से पहले सांसद एवं विधायक ने हमारे गाँव के लिए तरह तरीके की सुविधा देने के वादे किए, जैसे कि हमारे गांव में मेन रास्ते की इतनी बुरी हालत है कि इसके लिए 4 साल से सांसद के घर के चक्कर लगा रहे हैं। विधायक से भी कई बार कहा लेकिन किसी पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। जबकि गांव में बने बैंक में जाएं तो बच्चे स्कूल जाएं तो गांव में माता के मंदिर में जाएं तो इस गंदे पानी में निकल कर जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल की यह हालत है कि सन 2008 में इस अस्पताल का निर्माण हुआ था, आज तक कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। बताएं क्या नाम आपका? मनीराज सिंह जी। क्या समस्या है? समस्या मेन तो यही है रोड को लेकर के। हमारे गांव में रोड वैसे तो PWD का रोड निकला हुआ और इस रोड को जब भी सांसद जी से गवर्नमेंट से हमने अप्लाई किया तभी ये कहा गया, बोले यहाँ टेंडर पास हुआ है। लेकिन टेंडर पास होने का मतलब भी ये कि आज हमारे यहाँ कम से कम टेंडर को भी 4 साल हो गए, किसी ने कोई इधर कोई खबर भी नहीं ली आकर के। कई बार कहा भी है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जब विधानसभा के चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को वोट दिया, फिर सांसद हैं सर्वेश कुमार। नहीं, विधायक जी ने यहाँ पे आकर देखा? विधायक जी आए हमारे यहाँ, विधायक जी जब आते हैं एक बार आए हैं जब से जीते हैं विधायक जी आज तक, और आकर के भी एक बार बस मंदिर पे बैठे 5-10 मिनट और चले गए यहाँ से। इस रास्ते की समस्या रखी लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती यहाँ पे। क्या कह जाते हैं, बोले टेंडर पास हो गया, बरसात के बाद आपका काम चालू हो जाएगा। उस बात में भी बरसात 2 बार बीत चुकी है हमारी लेकिन उसमें कोई काम चालू नहीं हुआ। इस रास्ते पे सरकारी भवन कौन कौन से हैं? इस रास्ते पे सरकारी भवन, सरकारी स्कूल है, 2 सरकारी स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं 2, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसा है कि उसमें आज तक डॉक्टर नहीं है। अच्छा, बाकी बैंक है, एक बैंक है, प्रथमा बैंक है हमारे यहाँ, और तीर्थ स्थल भी हमारे यहाँ, ये चामुंडा हैं, मंदिर हैं, ये भी ऑन रोड आ रहे हैं, लेकिन इन पे भी अगर पूजा करने जाते हैं तो वो भी पानी में कोकी चौनक होकर पब्लिक मंदिर तक पहुँच पाती है। स्कूल में जाने का रास्ता भी स्कूल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जो स्कूल है वो भी किसी की हवेली के द्वारा निकल के जाया जाता है लेकिन उसका कोई रास्ता ही कोई सुनवाई नहीं। बाकी ये रास्ता कितने गांवों से जुड़ा? ये रास्ता मुख्य मार्ग है, ये मुरादाबाद से बाईपास निकला हुआ है आपका, टांडे गामड़ी और आपका कांट को सीधा निकला हुआ बाईपास। इसकी ये हालत कब से है? इसकी हालत मुरादाबाद से शाजे बंसारी की रिपोर्ट।